यहाँ पे मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो कि जिनके अटेम्प्ट थोड़े से कम रह गए हैं इस बारी IBPS PO प्रीलिम्स में, और उन वो बहुत डाउट में है कि मेरा होगा या नहीं। और प्लस वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कुछ लोग कि मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए IBPS PO के लिए। सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पिछले बार वैकेंसी अराउंड 4000 थी, ठीक है, 4000 के आसपास वैकेंसी था, और इस बार जो वैकेंसी है ना ये डबल है। इनिशियली अराउंड 8000 प्लस, शुरू में ही 8000 प्लस वैकेंसी है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो कट ऑफ होनी चाहिए इस बारी वो पिछले साल से प्लस तो नहीं जाना चाहिए, -1-2 हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ का रेंज है ना इस बार, वो मुझे लगता है कि 48-50 हो सकता है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपके अटेम्प्ट 55 के प्लस हैं तो आपको मेंस रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, आपको मेंस का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। जिनके कैटेगरीज हैं, जिनको कैटेगरी जैसे ST SC OBC, तो उनको थोड़ा बहुत और कर्न जैसे 50 के अराउंड भी अटेम्प्ट है तो वो लोग थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ की बात हो गई। तो अब मैं मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे मेंस की स्ट्रेटेजी। मेंस की स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि देखिए, मैंने खुद अभी मेंस दिया हुआ है, मेरा मेंस अभी तक क्वालिफाई तो हुआ नहीं है, तो मैं कैसे स्ट्रेटेजी बता दूँ, स्ट्रेटेजी मैं कैसे बता सकता हूँ जो एग्ज़ाम मैंने खुद क्वालिफाई नहीं किया है अभी तक। मेरा जब रिजल्ट हो जाएगा तभी मैं बताऊंगा मेंस के बारे में कि मैंने क्या किया था, नहीं किया था। अभी मैं मेंस की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा। मेरा रिजल्ट जब आएगा जनवरी में या फिर अप्रैल में, तब मैं बताऊंगा कि मैंने मेंस के लिए क्या किया था। इसके बावजूद भी अगर किसी को मुझसे पूछना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ मेंस के लिए पर्सनली, अगर मेरा उसको अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करना है तो मुझे पर्सनली इंस्टा पर मैसेज कर सकता है। इंस्टा आईडी मेरा अबाउट सेक्शन में जाएंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है।